तो आज के इस कंप्यूटर नेटवर्क्स के टॉपिक्स में हम जानेंगे कि टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी का मतलब क्या है और टोपोलॉजी में कौन से टाइप्स है, उसका हर एक टाइप हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं टोपोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द नेटवर्क। अब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द नेटवर्क, जो भी हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें जो भी हमारे एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स का जो भी अरेंजमेंट होता है, वही अरेंजमेंट को हम टोपोलॉजी कहते हैं। अभी सपोज़ ये हमारा एक नेटवर्क है जिसमें ये सब हमारे कंप्यूटर्स है। ये सब कंप्यूटर्स को हम एक नेटवर्क में जब इसको अरेंज कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, तो उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो ओके, तो अब देखते हैं कि टोपोलॉजी में कौन कौन से टाइप्स है। तो मेजरली हमें यही टाइप देखने को मिलेंगे, यही 7 टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो उसमें पहला तो आ जाता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट, फिर उसके बाद बस टोपोलॉजी, फिर उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, फिर उसके बाद स्टार, फिर उसके बाद ट्री, फिर उसके बाद मेश, फिर उसके बाद हाइब्रिड। तो ओके, तो पहले देख लेते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में, इसे प्रीवियसली वीडियो में भी कह चुका हूँ लेकिन और एक बार रिपीट कर देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी क्या होता है। तो जो भी हमारा एक कंप्यूटर होता है, एक नोड से दूसरे नोड पे जो डाटा ट्रांसफ़र होता है इसको छोड़ के, और ये थर्ड पार्टी को एक्सेस नहीं देता। जो भी हमारा थर्ड पार्टी, सपोज ये थर्ड पार्टी हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर को एक्सेस नहीं देगा। तो इसे हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। मतलब इसमें सिर्फ दो ही कंप्यूटर्स का काम रहता है, मतलब जो दो कंप्यूटर्स नहीं, दो बॉडीज़ का काम रहता है, इसमें तीसरा एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये है हमारा पॉइंट टू पॉइंट। फिर उसके बाद आता है ये बस टोपोलॉजी में। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जो भी हमारा नेटवर्क है, ये नेटवर्क में जो भी ये कंप्यूटर्स है, ये सारे कंप्यूटर्स एक हमारे मेन लिंक से, जो भी हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है, एक ही मेन लिंक से सारे के सारे कंप्यूटर्स हमारे कनेक्टेड रहते हैं। किसमें? ये हमारे बस टोपोलॉजी में। तो क्योंकि इसमें सारे के सारे ये जो पीसीस है, जितने भी सारे ये पीसीस है, ये सब हमारा मेन लिंक से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें हमारे पास एडवांटेज ये हो सकता है कि जो भी हमारा ये केबल कनेक्शन है, इसका कॉस्ट हमें बहुत कम पड़ेगा। ये हमारा ये मिनिमम कॉस्ट में हो जाएगा। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, अभी सपोज़ मैं ये हमारा पीसी ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अभी मैं सपोज़ कोई डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ ए से सी तक, तो जब ये डाटा ट्रांसफ़र इसमें से होते हुए जाएगा सी तक, तो ये चाहे तो जो सा ये बी ये कंप्यूटर है, ये वो डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो इसमें बस टोपोलॉजी में वो सिक्योरिटी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये था हमारे ये बस टोपोलॉजी। फिर उसके बाद आते हैं रिंग टोपोलॉजी में। तो जैसे कि ये नाम ही बता रहा है रिंग, तो इसमें जो भी हमारे सारे कंप्यूटर्स रहेंगे, ये कंप्यूटर्स हमारा रिंग के फॉर्मेट में कनेक्टेड रहते हैं। तो जो भी ये कनेक्शंस है, ये हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, ये चाहे तो वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। हमें सिर्फ खाली यहाँ पे लॉजिकल कनेक्शंस देना है कि हाँ, जो भी हमारे सारे पीसीस है, जो भी हमारे सारे नोड्स है, वो सारे रिंग फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्ड होके एक दूसरे से रिंग फॉर्मेट में ही कनेक्टेड है। तो ये हमारा रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पे भी सेम फंडा है। यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट यहाँ पे स्टार्टिंग नोड, एंडिंग नोड कुछ नहीं होता है, सारे नोड सर्कुलर मैनर में यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर भी केबल कॉस्ट बहुत, जो भी कॉस्ट है केबल का, कम रहेगा, और यहाँ पर भी सिक्योरिटी सिक्योरिटी बहुत लो है। ओके, सिक्योरिटी भी लो है क्योंकि अभी ये डाटा ये कंप्यूटर से, अगर ये कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहे, तो बीच वाले जो भी कंप्यूटर से ये उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हमारे रिंग टोपोलॉजी में भी सेम इसी की तरह फीचर्स है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग नोड एंडिंग नोड है, यहाँ पे स्टार्टिंग नोड एंडिंग नोड नहीं होता है। किसमें? हमारे रिंग टोपोलॉजी में। फिर उसके बाद आते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे जितने भी सारे, ओके, ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है, मेंशन कर देता हूँ स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे कि हम प्रीवियसली देखे थे, प्रीवियसली एग्जांपल में जो भी हमारे बस और रिंग टोपोलॉजी थे, इसमें हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रहा था। तो इसको ओवरकम करने के लिए यह हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर क्या होएगा, जो भी हमारा ये वाला सिस्टम है, अभी सपोज ये वाला सिस्टम से डाटा शेयरिंग करना चाहता है, तो फिर यहाँ पर एक हब रहेगा जिसके वजह से ये डाटा ट्रांसफ़र डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कर सकता है। बीच वाले जो भी कंप्यूटर से वो डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो भी ये केबल से, कंपेयर टू प्रीवियस टोपोलॉजी, यहाँ पे
केबल कनेक्शन कुछ ज़्यादा पड़ेंगे। तो ओके, तो यहाँ पर इसका कुछ अरेंजमेंट ऐसा होता है, सारे के सारे कंप्यूटर्स एक मेन पॉइंट पे कनेक्टेड रहते हैं, जिसे हम हब कहते हैं, वो सारे मेन पॉइंट पे कनेक्टेड रहेंगे और डाटा ट्रांसफ़र यहाँ से हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पर देखने से ही ये कुछ ऐसा स्टार फॉर्मेट में दिख रहा है, ये चाहे तो ये फाइव नहीं, यहाँ पे चाहे तो मल्टीपल पीसीज भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकता है, लेकिन जैसे कि मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सारे कंप्यूटर्स एक मेजर पॉइंट पे कनेक्टेड रहेंगे इसमें, ये हमारा स्टार टोपोलॉजी में। फिर उसके बाद आते हैं ट्री। तो जैसे कि ये ट्री है, ये भी नाम में ही बता रहा है, ये हमारा हो गया ट्री टोपोलॉजी। तो यहाँ पर सिर्फ खाली इतना नोटिस कीजिए, जो भी हमारा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जो भी हमारा नोड है, वो नोड से और सारे नोड ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। तो डाटा ट्रांसफ़र, अभी सपोज़ ये डाटा ट्रांसफ़र करना चाहे, तो जो भी इसके नीचे जितने भी कनेक्टेड नोड्स है, वो सारे नोड्स को एक ही बार डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, अभी ये डाटा ट्रांसफ़र करना चाहे इसको, तो जो भी ये इस साइड वाले नोड से, ये वो डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ट्रीस में ये फ़ायदा है, इसमें भी केबल कॉस्ट ज़्यादा आता है, और बाकी का इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी और काफ़ी सारे होते हैं कि इसमें नोड्स कितना है, कि केबल कनेक्शन कितने पड़ेंगे। तो मैं उस सब में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ खाली इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ व्हाट कह के। ओके, जितने भी सारे यहाँ पे टोपोलॉजी से, इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो इसमें ट्री टोपोलॉजी में ऐसे होता है, सारे नोड्स ऐसे कनेक्टेड रहते हैं ट्री के फॉर्मेट में। यहाँ पे चाहे तो ऐसे मल्टीपल मल्टीपल नोड्स भी कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया ट्री टोपोलॉजी। फिर उसके बाद आता है मेश टोपोलॉजी। तो ओके, तो मेश टोपोलॉजी एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं किया, ताकि एक्सप्लेनेशन के टाइम में इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये हो गया मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी में यहाँ पर ये अब तक का सबसे सिक्योर और फास्टेस्ट डाटा ट्रांसफ़र हमारा मेश टोपोलॉजी में ही होता है। तो ओके, तो अब जानते हैं कि यहाँ पे कनेक्शंस कैसे होता है। तो अभी सपोज़ मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये वाले नोड को, तो ये वाला नोड हमारे जो भी ये हमारा नेटवर्क है। ओके, नेटवर्क मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स को मिला के जो भी नेटवर्क बनता है, वो हमारा नेटवर्क। अभी सपोज़ इसमें मैं ये इस वाले नोड को कनेक्ट कंसिडर करता हूँ, तो ये नोड हमारा कनेक्टेड रहेगा हमारे नेटवर्क में अवेलेबल सारे नोड से, ये कनेक्टेड रहेगा। ओके, तो ये कनेक्शन कुछ इस टाइप से रहेगा। ओके, तो फिर ये हमारा ए नोड सारे नोड से कनेक्टेड है, वैसे ही जो ये वाला नोड है रिमेनिंग वाला, वो भी सारे नोड से इस तरह से कनेक्टेड रहेगा। फिर ये वाला ऐसे कनेक्टेड रहेगा सारे नोड से, फिर ये वाला ऐसे। ओके ओके, तो ऐसे जो भी हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क में हर नोड से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे कोई नोड किसी से भी, यहाँ पे हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी सपोज़ इसको डाटा ट्रांसफ़र करना है इस वाले पीसी से इस वाले पीसी से, तो जो भी इसके बीच में ये वाला लिंक है, ये वाले लिंक के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिना इसको इन्फॉर्म किए ना इसको इन्फॉर्म किए। लेकिन इसमें अभी डिसएडवांटेज ये है कि अब तक का हाईएस्ट कॉस्ट केबल, जो भी इसका केबल कॉस्ट है, केबल कॉस्ट अब तक का हाईएस्ट इसी में है, किसमें, हमारे मेश टोपोलॉजी में। लेकिन इसमें हमारा डाटा सिक्योर रहता है। ओके, तो इसमें हमारा डाटा सिक्योर रहता है, किसमें, मेश टोपोलॉजी में। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ओके, तो जो भी अभी मैं रियल लाइफ एग्जांपल अगर कंसिडर करूँ, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का कोई ऐसा एक स्पेसिफिक डिज़ाइन रहता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब, जो भी हमारे प्रीवियस टोपोलॉजी से, ये सारे टोपोलॉजी को मिक्स करके, जो भी आउटकम, जो भी पॉसिबल टोपोलॉजी हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगा। अभी सपोज़ मैं यहाँ पे एक बस टोपोलॉजी बनाता हूँ, ये हमारा हो गया बस टोपोलॉजी। ओके, तो अब मैं चाहे तो यहाँ से इसको ऐसे ट्री टोपोलॉजी बना सकता हूँ, मतलब मैं जो से नोड चाहे वो नोड कनेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से। ओके, पहले लिख देता हूँ हाइब्रिड टोपोलॉजी, और यहाँ से मैं इसको चाहे तो ऐसे मैं इसको रिंग बना सकता हूँ,
या तो फिर यहाँ से मैं इसको ऐसे स्टार बना सकता हूँ, ओके, यहाँ से मैं ऐसे स्टार बना सकता हूँ। तो जो भी, अभी हमारा बस हो गया, ये ट्री हो गया, ये रिंग हो गया, ये स्टार हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टॉपोलॉजीज मिलकर एक टॉपोलॉजी बना रहे, एक हमारे नेटवर्क में डिफरेंट टॉपोलॉजीज ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो उस वाले टॉपोलॉजी को हम कहेंगे हाइब्रिड टॉपोलॉजी। क्योंकि हाइब्रिड का मतलब यही होता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को मिलाकर अगर कोई एक पर्टिकुलर सोर्स बन रहा है तो वो हाइब्रिड कहलाता है। तो ओके, तो हमारे रियल लाइफ में हम ज़्यादातर इसी वाले टॉपोलॉजी का यूज़ करते हैं, हाइब्रिड टॉपोलॉजी। क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि हमें हमें केबल कॉस्ट भी मैनेज करना होता है और सिक्योरिटी भी मैनेज करना होता है, तो हम यहाँ किसी भी पर्टिकुलर टॉपोलॉजी को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ खाली हाइब्रिड टॉपोलॉजी में देखते हैं, जहाँ पर हमें इफेक्टिवनेस सिक्योरिटी ज़्यादा मिलता है, हम वही वाला डिज़ाइन कैरी ऑन करते हैं। तो ओके, तो ये था टॉपोलॉजी। टॉपोलॉजी में ये सारे डायग्राम थे, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारा बस टॉपोलॉजी, ये रिंग टॉपोलॉजी, ये स्टार टॉपोलॉजी है, फिर उसके बाद ये है हमारा मेश टॉपोलॉजी, फिर ये हमारा ट्री टॉपोलॉजी, फिर उसके बाद ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट, फिर उसके बाद ये है हमारा हाइब्रिड हाइब्रिड टॉपोलॉजी। तो ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू।